एक छोटा बच्चा जिसे टीचर स्कूल से डांट कर भगा देते हैं, साथ में एक लेटर देते हैं कि अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा घर जाता है, माँ को चिट्ठी देता है, माँ वो चिट्ठी पढ़ती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बच्चे से कुछ नहीं कहती। बच्चा पूछता है कि लिखा क्या है। माँ कहती है इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, होशियार है, ये हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसे तो आप घर पर ही शिक्षा दीजिए, इसे और आगे बढ़ाइए। माँ अपने बच्चे को मोटिवेट करती है, बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। एक दिन वापस अपने पुराने घर में जाता है, माँ की वो संदूक खोलता है जिसमें वो चिट्ठी रखी होती है, उसे पढ़ता है तो रोने लग जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे हमारे स्कूल से निकलवा दीजिए, आप इसे जहां ले जाना है ले जाइए, लेकिन हमारे स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। माँ अपने शब्दों से उस बच्चे की जिंदगी बदल देती है। उस बच्चे का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम नोबेल प्राइज के सामने बहुत बड़ा है। अगर आप किसी से कह दें कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, तो उसके लिए नोबेल प्राइज से भी बड़ा सम्मान हो जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके मरने के बाद उसकी ब्रेन को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया कि भैया आखिर था क्या इस ब्रेन में, जो इतना बुद्धिमान ये व्यक्ति था, आप समझ सकते हो महान कितना व्यक्ति था। तो आइए उस महान शख्सियत के बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, 5 लर्निंग्स फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन। और दोस्तों साथ रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं गूगल के 750 रुपए के फ्री स्टॉक्स, तो ये मेगा गिव अवे आपका इंतजार कर रहा है इसी वीडियो में। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ हमें सिखाती है, क्यूरियोसिटी इज द वे ऑफ न्यू सिटी। जिज्ञासा ही आपके आने वाले कल का निर्माण करती है। जितने आप क्यूरियस होंगे लाइफ में, उतना आप नया सीखेंगे, और जितना नया सीखेंगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में शुरू से बात करते हैं। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म सिटी में उनका जन्म हुआ। जर्मनी में ही वो सिमट के नहीं रह गए, वो पूरी दुनिया में फेमस होते चले गए। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनसे जब पूछा गया कि आपने इतनी सारी चीजों के बारे में बात की, इतनी सारी आपने डिस्कवरीज की हैं, तो क्या वो चीज है जिसने आपको आगे बढ़ाया, उन्होंने सिर्फ एक शब्द में आंसर दिया, एक शब्द में उत्तर दिया कि क्यूरियोसिटी। क्यूरियस रहना मेरा जीवन में मुझे यहां तक लेकर के आ गया। मैं बहुत सारे सवाल करता था, बहुत सारे सवाल मेरे पास में होते थे, और उनका जवाब खोजने के लिए इतनी सारी डिस्कवरीज करता चला गया। एक छोटा सा बचपन का किस्सा सुनाता हूं। 4 साल के थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें सूप दिया गया पीने के लिए, तो जैसे उन्होंने सूप पिया तो उनके मुंह से निकला, सूप बहुत गर्म। कमाल की बात यह कि इस 4 साल के बच्चे ने तब तक एक शब्द नहीं कहा था, बोले नहीं थे। पेरेंट्स जो थे वो हैरान हो गए कि आज पहली बार इसने इतनी बड़ी लाइन बोल दी, एक साथ इतना कुछ बोल दिया कि सूप बहुत गर्म। उनसे पूछा कि अब तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो जो बच्चा अब तक नहीं बोला था वो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ जवाब देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मम्मी पापा को कि क्योंकि अब तक मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे चल करके ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि क्यूरियोसिटी ही मुझे लाइफ में बहुत आगे लेकर के आई है, और जितना इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है हमें क्यूरियस रहना होगा, जिज्ञासाओं को ही लेकर के आगे बढ़ना होगा, उनके जवाब खोजने की कोशिश करनी होगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से सीखिए कि पहले क्यूरियस रहें, फिर उन सवालों के जवाब खोजें और लाइफ में आगे निकल जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ सिखाती है, थिंक डिफरेंट। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा अलग सोचना शुरू कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में बता रहा था आपको कि 4 साल तक बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो फिर ऐसे ऐसे सवाल करने लगे कि लोग कहने लगे भाई ये बच्चा क्या सवाल कर रहा है। 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन को जब ये सवाल किया गया कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करना क्या होगा, तो ये सवाल लोगों को बचकाना लगता था, बेतुका लगता था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस सवाल को एक इंस्पिरेशन के तौर पर लिया। वो हमेशा ये सोचते थे कि ये करके दिखाना, ये नहीं सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, संभव है कि नहीं है, पॉसिबल इम्पॉसिबल के चक्कर में पड़े ही नहीं कभी। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्रिएटिवली कुछ ना कुछ करते रहते थे, हमेशा रचनात्मक सोचते थे, और दूसरों को कहते थे कि भाई इसकी ताकत बहुत है, क्रिएटिविटी को लाइफ में लेकर के आओ, आपका विजन बदलो। वही कहते हैं ना कि नज़र बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको स्कूल में टीचर्स मंद बुद्धि, डफर, यहाँ तक कि मानसिक रोगी कह चुके थे, क्योंकि कुछ भी सवाल पूछा करते थे, बहुत सारे सवाल पूछते, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर रट्टू तोता बनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि वो रटने पर जोर दे रहे, और रटना उन्हें पसंद नहीं था, उन्हें याद रहता नहीं था, तो वो रटने में असमर्थ थे। ये रटना जो कि आज की मॉडर्न एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी समझ में नहीं आया। उनका साइंस में, मैथ्स में बड़ा फोकस था। एक बार तो उनके मैथ्स के टीचर ने कह दिया था कि भाई अल्बर्ट तुम तो इतना ज्यादा जानने लग गए हो,
मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुमने इतना जान लिया कि अब तुम मुझे पढ़ाओ। इस तरह के बुद्धिमान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे आइंस्टाइन बाकियों से अलग सोचते थे, डिफरेंट सोचते थे, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा डिफरेंट सोचने की जरूरत है, तभी आप लाइफ में अच्छा कमा पाएंगे। आप में से कई सारे लोग जो हैं इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपको एक शेयर तो कम से कम खरीदना पड़ता है। अगर मैं यूएस स्टॉक्स की बात करूं, यूएस स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो वहां आप जो एक शेयर है उसका फ्रैक्शन जो है वो भी बाय कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल शेयर्स आप खरीद सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये भी है कि आप देख रहे हैं डॉलर किस तरीके से अप्रिशिएट हो रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा भी आपको मिलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत सारे चार्जेस होंगे, बहुत सारा कमीशन इन्वॉल्व होगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी कीजिए और अपनी यूएस स्टॉक मार्केट की जर्नी को आसान बना लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं आज अमेरिकन कंपनीज कितनी स्पीड से ग्रो कर रही हैं, कितनी सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ। तो आईएनडी मनी ऐप, जहां आप यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शन में बाय कर सकते हैं, मतलब एक शेयर का, एक स्टॉक का जो छोटा सा पार्ट है वो आप बाय कर सकते हैं। और आईएनडी मनी ऐप पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, और यहां तक कि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कमाल ये कि मैं आपको आईएनडी मनी ऐप के साथ मिलकर गूगल के 750 रुपीज के 750 रुपए के फ्री स्टॉक्स दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी के अभी आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, यूएस स्टॉक अकाउंट फंड कीजिए और वहां आपको मिलेंगे 750 रुपए के गूगल के फ्री स्टॉक्स। यूएस स्टॉक मार्केट की बात इसलिए भी आज कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इस वक्त हैवी करेक्शन है, यानी कि आपको जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ऐसी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए आईएनडी मनी ऐप। तीसरी सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया फेक सी लगने लगी है। हर कोई दिखावे की दुनिया में जी रहा है, दिखावा कर रहा है, दिखावटी बनना चाह रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई ओरिजिनल बनिए, बी ओरिजिनल, यही है तीसरी लर्निंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी फेकनेस में विश्वास नहीं रखा, वो कभी कोई काम फेक नहीं करते थे, जैसे थे रियल थे। वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसे आज भी हम पढ़ रहे हैं। साइंस के पता नहीं कितने सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस थे, पजल्स थी, जिनको सॉल्व किया। जिस व्यक्ति ने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, इतनी इंपॉर्टेंट थियोरीज दी, वो व्यक्ति चीजें याद नहीं रख पाता था। एक बार उनसे किसी ने उनका नंबर पूछा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो टेलीफोन डायरेक्टरी देखने लगे, सामने वाले को हंसी आ गई, उसने कहा आपको अपना नंबर याद नहीं है, आप इसमें देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भाई जिसका जवाब किताब में मिल जाए उस चीज को याद रखने की क्या जरूरत है। एक और कमाल का किस्सा, एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, टीसी आया, टीसी ने कहा हाँ जी साहब टिकट दिखाइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने कोट की जेब में ढूंढने लगे, पैंट में ढूंढने लगे जेब में, लेकिन मिला नहीं टिकट, तो नीचे घुस गए सीट के ढूंढने लगे। और टीसी इज्जत करता था, उसने कहा कि अरे सर मुझे पता आपने टिकट ले लिया हो, आप इतना परेशान मत होइए, ठीक है ना, आप बैठो आराम से। तब भी ढूंढे जा रहे थे, किसी ने हाथ जोड़ के कहा बस बस ठीक है, मैं समझ गया आपके पास है टिकट, आप बिना टिकट यात्रा थोड़ी ना करेंगे, इतने बड़े साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वो सब ठीक है भाई, मैं टिकट इसलिए खोज रहा हूँ, मुझे पता तो चले मुझे जाना कहाँ है। छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते थे, लेकिन काम इतने महान कर दिए कि दुनिया आज उन्हें भूल नहीं पा रही है, हमेशा दुनिया उन्हें याद रखती है। कभी भी अगर आपके सामने मुसीबत आ रही है तो पीठ दिखा करके भागना नहीं है, फेस योर प्रॉब्लम्स, यही चौथी सबसे बड़ी बात है। आज आइंस्टाइन को हम जीनियस के तौर पर जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि उन्होंने भी कई बार फेलियर का सामना किया है, उन्होंने भी कई बार हार का सामना किया है, लेकिन हार मानी नहीं, वो हमेशा कोशिश करते रहे। आइंस्टाइन ने कहा था अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एक किस्सा है, आइंस्टाइन जब अमेरिका गए थे तो लैब असिस्टेंट ने उनसे कहा कि सर क्या ला करके दे दूं, कोई आप लिस्ट बना करके दे दीजिए। तो उन्होंने कहा एक ब्लैकबोर्ड ला दो, बहुत सारी चॉक्स ला दो, पेन पेपर ले आओ और एक डस्टबिन ले आओ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करूंगा तो डस्टबिन चाहिए होगा कागज फेंकने के लिए। आइंस्टाइन के बेटे ने कहा कि मेरे फादर इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे क्योंकि वो फेल होने के बावजूद भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते थे, वो तब भी कोशिश करते रहते थे जब रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा होता था, और यही खूबी उनको आज इतना महान वैज्ञानिक बना चुकी, इसी खूबी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां सब पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आखिरी सबसे बड़ी बात, आपका ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है। बच्चन साहब भी ये बात अपने शो में कहते हैं और आज ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी सीखी जा सकती है, क्योंकि जानकारी उन्होंने जुटाई और उसी से सक्सेस पाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले सकते थे, छोड़ सकते थे,
अपने ही सवालों के जवाब खोजने में लग सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अवेलेबल एजुकेशन थी उसको कंप्लीट किया, फिर अपने सवालों के जवाब ढूंढना शुरू किया, जो जो उनके माइंड में क्रिएटिव इमेजिनेशन चल रही होती थी, क्यूरियोसिटी चल रही होती थी, उसको सॉल्व करने में लग गए। और इसीलिए उन्होंने इतनी सारी थियरीज दी हैं, इतनी सारी खोज के लिए आज उन्हें जाना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन पाए। आज के जो जीनियस लोगों की डेफिनेशन है कि जीनियस कैसे होने चाहिए, उससे अल्बर्ट आइंस्टाइन कंप्लीटली डिफरेंट थे। वो 10-10 घंटे सोते थे, काम के बीच में झपकियां लेते थे। उनका एक फंडा बड़ा फेमस है कि जब वो आराम कुर्सी पर लेटे होते थे तो अपने हाथ में चम्मच लेकर के ऐसे लेटते थे और नीचे ज़मीन पर थाली रखते थे, ताकि जैसे ही चम्मच छूटे, थाली पर गिरे, आवाज़ आए, उनकी नींद टूट जाए और वो दोबारा काम में लग जाए। एक मशहूर किस्सा मुझे याद आता है, जब चार्ली चैपलिन के साथ में वॉक पर अल्बर्ट आइंस्टाइन निकले हुए थे तो लोग इन दोनों को देख करके हाथ हिला रहे थे, हाय हेलो चल रहा था, लोग खुश हो रहे थे कि अरे दो दो महान लोग साथ में चल रहे हैं। चार्ली चैपलिन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि देखो, हम दोनों फेमस हैं, तुम इसलिए फेमस हो क्योंकि हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, और मैं इसलिए प्रसिद्ध हूँ, इसलिए पॉपुलर हूँ क्योंकि हर कोई मुझे समझ पाता है, मुझसे रिलेट कर लेता है। तो दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ थी और दोनों अपने अपने फील्ड में महान थे। और जाते जाते बेहतरीन इंसान के बारे में बेहतरीन बात करनी ज़रूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट हुए, उन्हें लोगों की, वक्त की, लोगों की फीलिंग्स की बहुत कद्र थी। एक छोटा सा एग्जांपल है, 1922 का साल था, जापान के टोक्यो में इंपीरियल होटल में रुके हुए थे, लेक्चर देने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन वहां पहुंचे हुए थे। एक मैसेंजर आता है, डोरबेल बजाता है और इन्हें बताता है कि सर आपने नोबेल प्राइज जीत लिया है। इतनी बड़ी खुशखबरी जब इन्हें सुनने को मिलती है तो ये उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं, कुछ था नहीं इनके पास में, तो ये क्या करते हैं, इंपीरियल होटल का जो नोट पैड होता है उस पर लिखते हैं और वो नोट जो उस मैसेंजर को दे देते हैं। जर्मन में उसमें एक सेंटेंस लिखा था इन्होंने कि सक्सेस और उसके साथ आने वाली जो बेचैनी है उसकी बजाय शांत और विनम्र जीवन आपको ज्यादा हैप्पीनेस देगा। और साथ ही लिखते हैं कि जहां चाह वहां राह, और उससे कहते हैं कि संभाल के रखना, आने वाले समय में यह बहुत कीमती नोट होगा। और जो कागज का टुकड़ा था जिस पर यह सेंटेंस लिखा था, बाद में जब उसकी नीलामी हुई तो 2 करोड़ रुपए में उसे खरीदा गया। आप समझ सकते हैं कितने महान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। आई एम श्योर उनकी लाइफ से आप आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीख चुके होंगे और सीख करके जाएंगे और लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। बस यही आपसे कहना है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनी फैमिली के प्यार के साथ, अपने लव्ड वंस के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। दोस्तों, आते आते छोटा सा रिमाइंडर, डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिएगा INDMoney मनी ऐप, जहां अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करें, और जैसे आप अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करते हैं आपको मिलेंगे गूगल के 750 रुपए के फ्री स्टॉक्स। INDMoney मनी ऐप जो कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को इजीली ट्रैक करने में आपकी मदद करता है, जरूर से डाउनलोड करें।